विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ता नया भारत नित नए कीर्तिमान रच रहा है। नया भारत अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त बन रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार 20 अक्टूबर को देश को पहली रैपिड रेल मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे इस पहले खंड में 5 स्टेशन होंगे। इस ट्रेन में फिलहाल 6 कोच होंगे। ट्रेन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने QR कोड स्कैन करके गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन पर डिजिटल एंट्री ली। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और BJP प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौबे भी मौजूद रहे। PM मोदी ने रैपिडेक्स मेट्रो में सफर के दौरान स्कूली छात्राओं और कोच के स्टाफ से भी बातचीत की। कहां से और कब तक चलेगी ये ट्रेन? अपने पहले चरण में साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच चलने वाली इस ट्रेन के 5 स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो हैं। NCRTC के अनुसार साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक सफर करने के लिए यात्रियों को सुबह 6 बजे से ट्रेन मिलनी शुरू हो जाएगी, जो कि रात 11 बजे तक चलेगी। कैसे मिलेगा ट्रेन का टिकट? रैपिड रेल के टिकट के लिए आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रैपिडेक्स कनेक्ट नाम के मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करके सीधा उससे टिकट खरीद सकते हैं। इसके साथ ही पेपर QR कोड पर आधारित टिकट भी लिए जा सकते हैं। इन्हें टिकट वेंडिंग मशीन के जरिए या फिर स्टेशनों पर टिकट काउंटरों से खरीदा जा सकता है। कितना सामान ले जाया जा सकता है? रैपिडेक्स ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के सामान के वजन की सीमा भी तय की गई है। यात्रियों के सामान का वजन 25 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। ट्रेन की स्पीड कितनी होगी और किराया कितना होगा? यह ट्रेन 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। इसकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। यह 17 किलोमीटर की दूरी को मात्र 12 मिनट में पूरी कर लेगी। इस ट्रेन से केवल 60 मिनट में ही मेरठ से दिल्ली पहुंचा जा सकता है। इस ट्रेन का न्यूनतम किराया 20 रुपए और अधिकतम किराया 100 रुपए होगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के अलावा और कहां कहां बन रहे हैं कॉरिडोर? इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 8 कॉरिडोर बनाए जाने हैं। इसमें फर्स्ट फेज में 3 कॉरिडोर बनने हैं, जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली गुरुग्राम SNAB अलवर कॉरिडोर, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर है। बाकी कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे वो हैं दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल कॉरिडोर, गाजियाबाद खुर्जा कॉरिडोर, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक कॉरिडोर, गाजियाबाद हापुड़ कॉरिडोर और दिल्ली शहादरा बडौत कॉरिडोर। आगे और कौन कौन से फेज में होगा काम? फर्स्ट फेज में 3 यानी कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली गुरुग्राम SNAB अलवर कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर है, जिनमें से गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है। दूसरे फेज में दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल कॉरिडोर, गाजियाबाद खुर्जा कॉरिडोर, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक कॉरिडोर, गाजियाबाद हापुड़ कॉरिडोर और दिल्ली शहादरा बडौत कॉरिडोर बनाए जाने हैं। ये सारा काम 2025 तक पूरा हो जाएगा। क्या पार्किंग की सुविधा होगी? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के सभी स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा बनाई गई है। स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पर ही पार्किंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर 2-व्हीलर और 4-व्हीलर वाहनों को खड़े करने की पर्याप्त सुविधा है। वाहनों के हिसाब से पार्किंग के लिए शुल्क भी अलग अलग होगा। क्या होती है रैपिडेक्स? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि NCRTC रैपिडेक्स नाम की सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा के लिए कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। ये क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS कहलाता है। NCRTC दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के साथ केंद्र की एक संयुक्त कंपनी है। इसे ही दिल्ली और मेरठ के बीच भारत के पहले RRTS के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है।